अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज मिले सबसे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज से आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। और ये जो सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैं अपने दूसरे चैनल स्टडी विथ मान पर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज से मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा। इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज से उस चैनल पर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ये आप बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा। और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभी कल ही मैंने आप लोगों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया है, यानी परमाणु संरचना, और ये टॉपिक आपका उसी चैप्टर का है, ठीक है। उस चैप्टर में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कई आपके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आएगा तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आज ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये पार्ट वन है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले आज मैं यहां पे आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। यहां पे आपके कई टाइप के दिए होते हैं तो पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के नियम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपके कुछ रूल होते हैं, ये रूल मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पे करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपका एक रूल लिखा हुआ है, आप बाउ का नियम, ठीक है। इसी रूल के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आखिर आप बाउ का नियम होता क्या। ये रूल आपने क्लास 11th या 12th में जरूर पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आखिर आपबाऊ का नियम होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षक लिखा है, कक्षकों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न उपकोषों के ऊर्जा स्तरों का क्रम निम्न होता है। तो आपके सामने यहाँ पे क्रम जो लिखा हुआ है यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर यहाँ पे 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d। तो सबसे पहले मैं आपको SPDF के बारे में बता देता हूँ, आखिर ये SPDF होते क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे SPD तथा F कक्षक होते हैं आपके। क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, यानी आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। SPDF ये जो आपके होते हैं ये आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कक्षक होते हैं। इसी में हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको रूल बताऊंगा कैसे इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपका यहाँ पे क्रम दिया हुआ है ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s कक्षक में जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s कक्षक में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, इसी
इसी तरीके से हमारा आगे बढ़ते हुए चला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, 5s में, 4d में, 5p में, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ते हुए चले जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले 1s कक्षक में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, ऐसे ऐसे हमारा ये क्रम बढ़ते हुए चला जाता है 7s तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रम आपको याद कर लेना। अगर ये आपको याद हो गया तो आप बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि sp d f, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कक्षक होते हैं, यानी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि एस कक्षक में हम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एस पी डी तथा एफ कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 6, 10 तथा 14 होती है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम फिलअप कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस में केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है पी। तो पी में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। पी में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिलअप नहीं कर सकते। फिर पी के बाद आपका आता है डी। तो डी में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिलअप नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट में आपका यहां पे F आ जाता है। तो F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी होती है 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिलअप कर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम यहां पे फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बताता हूं कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो परमाणु की प्रथम कक्षा आपकी है क्या, क्या है आपका, एस है, ये आप ध्यान रखिएगा, एस। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते, 2 होते, यानी केवल 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हमारे हो सकते हैं परमाणु की प्रथम कक्षा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये दूसरी कक्षा आपकी पी, तीसरी आपकी डी, और चौथी यहाँ पे एफ हो जाएगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु की द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार आपसे तृतीय और चतुर्थ में भी पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो आपके यहाँ पे ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, एस पी डी एफ। तो एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में हम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में हम यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कुछ रूल हो गए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ये क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट आपका, या सबसे पहला पॉइंट आपका ये आ जाता है कि आपको ये क्रम याद होना चाहिए 1s से लेकर पूरा यहाँ तक 7s तक, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न उपकोषों के ऊर्जा स्तरों का क्रम ये आपका है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आपके आपबाऊ के नियम में लिखा क्या हुआ था कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको सबसे पहले ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे एस पी डी एफ ये आपका लिखा, ये आखिर होते क्या हैं, ये आपके कक्षक होते हैं। एस पी डी एफ ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s कक्षक में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, ऐसे जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रम आपका है। इसी क्रम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कक्षकों में आपके भरे जाते हैं, ऑर्बिटल्स में फिलअप किए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिया कि एस में आपके कितने होते हैं, 2, पी में आपके कितने होते हैं, 6, डी में आपके होते हैं 10, और एफ में आपके होते हैं 14। तो ये आपके रूल्स हो गए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे अभी, अगर नहीं समझे अभी तक, तो अभी मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने करूँगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कैसे हमने इस रूल को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स के। तो चलिए मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया गया है सोडियम, यानी सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे एक एलिमेंट दिया गया है सोडियम, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको Na का
एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अगर आपको परमाणु क्रमांक ही नहीं पता होगा तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि 1 से लेकर के कम से कम आप यहाँ पे 14 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। मुझे तो ये, मैं तो आपको ये बता देता हूँ, अगर आप 1 से 35 तक याद कर लेते हैं इससे ज़्यादा आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 से 35 तक के एलिमेंट्स जो आपके दिए गए, इन सब के एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेने हैं आज के आज, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं सोडियम Na का परमाणु क्रमांक आपका क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। क्या होता है, 11 होता है, ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसका क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, यहां पे आपको एटॉमिक नंबर 11 दिया गया है, अभी ऊपर मैंने आपको क्रम बताया हुआ है, इसी क्रम को फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जहां तक हमारा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको जो एटॉमिक नंबर दिया गया काफी छोटा है, यानी 11 है, तो हमें यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, आपको टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिलअप करने हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको किनारे करके यहां पे दिखाता हूं। तो Na का परमाणु क्रमांक 11 है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, फिर उसके बाद मैंने यहां पे लिखा s। तो s में मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, तो 1s2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये पहला कोश आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1s2 यहां पे लिख दिया। अब हम क्या जाएंगे, अब दूसरे में जाएंगे, ठीक है, दूसरे में जाएंगे। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 1 के बाद आपका क्या आएगा क्रम में, 2 ही तो आएगा, 1 के बाद आता है आपका 2s, ऊपर जाके आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको रूल बताया हुआ है। तो 1s2 लिखा, फिर इसके बाद हम जाएंगे 2 में, तो 2 के बाद यहाँ भी आपका s ही आएगा। तो s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 ही जाते हैं, 2 से ज़्यादा आपके नहीं जा सकते, तो 2s2 लिखा। तो काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने फिलअप किए, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए ना, फिर ठीक है। फिर इसके बाद हम जाएंगे 1s2s के बाद आपका क्या आता है, 2p आता है, क्या आता है, p आता है, अब रूल अभी ऊपर मैंने आपको बताया, ये क्रम आपको मैंने बताया। तो 2, 2, 4, अब p में कितने इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, तो p में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से कम फिलअप कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे परमाणु क्रमांक 11 दिया हुआ है, ठीक है, तो p अभी हमारा पूरा फिलअप होगा, यहाँ पे 2, 2, 4 और यहाँ पे 2p6, 6, 4, 10 हो चुका है, ठीक है। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या था, 11 था, और हमने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिलअप कर लिए, यानी अब नंबर कितना बचा, केवल 1। हम 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दें तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6। अब यहां पे 1s, 2s, 2p के बाद आपका क्या आता है, 2p के बाद आपका 3s आ जाता है, क्या आ जाता है, 3s आ जाता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद 3s लिखेंगे, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन हमें तो एक ही की जरूरत है, क्योंकि यहां पे 2, 2, 4, 6, 4, 10 तो हो चुका है, एक ही तो हमें चाहिए। तो इस s में क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे, और हमारा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो आखिरी में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इन सबको ऐड कीजिए, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 1, 11, तो 11 तो यहाँ पे हमारा हो गया। लेकिन अब इसको हम जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो हमने अबव रूल से किया है, अब जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, फर्स्ट वाले में 1s लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 1 पे गौर करना है। तो पहले में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 में, सिर्फ 1s में देखिए, तो 1s में आपके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे हम दूसरे में, 2 वाले में, तो 2s2 और 2p6, यानी 2 वाले में आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6, यानी 2, 8 हो जाएगा। 8 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 2 लिखा है, 2s आ रहा है और 2p भी तो आपका आ रहा है, ये दोनों 2 वाले में ही तो आ रहे हैं। तो 2s2, तो 2 यहाँ पे लिखा है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये ले लिया, और फिर 2p लिखा है, यहाँ पे 2 दूसरे में ही तो है हम अभी तक, तो 6 और 2, 8, ये आपका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे तीसरे में, यानी 3s1 में, तो 3 आपका
यहाँ पे 3s1 में केवल अकेला आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हुआ है, तो 281 ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर इसको हमने जर्नल फॉर्म में लिख लिया, तो पहले में आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर दूसरे में आइए यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 6, यानी 6 2 8, यानी 2 लिखूंगा 8 लिखूंगा, फिर 3s1। तो तीसरे में जैसा कि आप देख सकते हैं 1 आपका दिया गया, 2 8 1, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सेकेंड वाला यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एल्यूमिनियम Al का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक आपका क्या होता है, 13 होता है। तो चलिए एल्यूमिनियम का करते हैं, तो कैसे करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे, तो 1s लिखूंगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 के बाद आपका 2s आता है, तो 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2। फिर 2s के बाद आपका 2p आता है, तो 2p में कितने, p में आपके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 4 10 10 हो गए। अब बचा कितना, केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1s2 2s2 2p6, और 2p6 के बाद आपका क्या आता है, 2p6 के बाद आपका आता है 3s, 2p के बाद आपका 3s तो आता है, तो 2p6, फिर यहाँ पे लिखूंगा 3s, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। अब गिनिए यहाँ पे 2 2 4 6 4 10 2 12, अब कितना बचा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे फिलअप करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 3s के बाद आपका क्या आता है, 3p आता है, और p में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत केवल एक ही की तो है, 2 2 4 6 4 10 2 12 तो हो चुका, केवल एक फिलअप करना है, तो p में लिख दूंगा 1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो पहले में आइए 2 इलेक्ट्रॉन आपके, ठीक है, केवल पहले वाले में देखिए, ठीक है, पहले में आपके 2 हैं पहले कक्षा में, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे में आइए, तो 2s2 2p6, यानी 2 ये 6 ये, तो 2 6 8 हो जाएगा, यानी 2 8 लिखा। फिर तीसरे में आइए, तो तीसरे में 2 ये, यानी 3s 2 और 3p, तो 2 1 3 ये आपका हो जाएगा, तो 2 8 8 2 10 और 3 13, 2 8 3 ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 8 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसे हम करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके 2 एलिमेंट्स हैं, एक आता है क्रोमियम 24, ठीक है, क्रोमियम 24, और एक आपका आता है कॉपर Cu 29। ये 2 एलिमेंट्स आपके जो हैं, ये आपके एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जो आबाऊ के नियम का पालन नहीं करते, आबाऊ रूल के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। और यही आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्रोमी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Cu कॉपर लिखा है मैंने, Cu लिखा, Cu 29, ये आपका लिखा, ये इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपका पूछा गया था, यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा गया था। क्यों पूछा गया था, क्योंकि ये आपका एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्रोमियम Cr24 और Cu29 यानी कॉपर, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझाऊंगा, कैसे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ इसको सीख लीजिए, क्योंकि आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्रोमियम और कॉपर ही पूछा जाए, आपसे एल्यूमिनियम का पूछा जा सकता है, आपसे कैल्शियम का पूछा जा सकता है, आपसे आयरन का पूछा जा सकता है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए तीसरे पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको कैल्शियम का बताया, यानी कैल्शियम Ca का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कैल्शियम Ca का एटॉमिक नंबर जो कि आपका होता है 20, कितना होता है, 20 होता है, तो हमें यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, और किस रूल के बेसिस पे, यहाँ पे आबाऊ रूल के, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आपको ऊर्जा स्तरों का क्रम आपका यहाँ पे दिया गया है, 1s से स्टार्ट होते हुए 7s तक जाता है, तो 7s तक अभी हमें नहीं जाना है, क्योंकि जब 7s तक जाएंगे तो काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 60-70, यानी परमाणु क्रमांक 60 से 70 वाले यहाँ तक आते हैं, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे 1 से लेकर के
आज यहाँ पे 26 के बीच में करेंगे, और जिसमें हम 24 क्रोमियम आपका जो दिया गया और कॉपर 29 इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कैल्शियम का कर लेते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका 20 होता है, तो 20 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टार्ट करते हैं। 1s से स्टार्ट होगा, तो 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2। फिर इसके बाद 1s के बाद आपका 2s आता है, तो 2 में आएंगे, और s में तो आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो 2s2। फिर इसके बाद 2p आता है, तो 2 लिखा, p लिखा, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं 6, तो 2p6 लिखेंगे। फिर इसके बाद 2p के बाद आपका 3s आता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s के बाद आपका 3p आएगा, और p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 6 होते हैं। तो काउंट कीजिए, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18 हो चुका है। केवल 2 इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो 3p6 के बाद आपका क्या आता है, 3p के बाद आपका 4s, यानी मैं यहाँ पे 4s2 लिख दूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा पूरा हो गया। 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 हो गया। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले में आइए केवल 1s देखिए। जब हम जर्नल फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको 1, 2, 3, 4 पे ध्यान देना होता है। तो 1s में, तो केवल 1 में देखिए, 1 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2, तो मैं यहां पे 2 लिख देता हूं। अब दूसरे में आइए, 2 आपको कितनी जगह दिख रहा है, 1, 2 ये और 1, 2 ये, यानी 2s2 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2p6, और 6 और 2 को जोड़ दीजिए 8, आपका 2, 8 हो गया। अब तीसरे में आइए, 3s2 और 3p6, यानी 6, 2, 8, यहाँ पे भी 8 आपका हो गया। फिर सबसे लास्ट में 4s2, चौथे में केवल आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखूंगा 2, यानी 2, 8, 8, 2, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि आप देख सकते हैं 2, 8, 8, 2, ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन का समझा देता हूँ। ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 8 होता है। क्या होता है, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 8 है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, 1s से, तो 1 लिखूंगा, s लिखूंगा, s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। फिर इसके बाद 2s आता है आपका, 2 लिखूंगा, s, s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम आपकी 2 होती है, ऊपर ही मैंने आपको बताया, तो 2, 2, 4 हो गया। अब हमारा केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचा है ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, तो 1s2, 2s2, फिर 2p, ठीक है, p में मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमें 4 की ही ज़रूरत है, तो 2, 2, 4 और यहाँ पे 2p4 लिख दूंगा, यानी 2, 2, 4 और 4, 4, 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा हुआ ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखिए, पहले में आपका केवल देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरे में आइए 2s2, इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे में, और फिर इसके बाद 2p भी तो आपका यहाँ पे आ रहा है, ये आपका दूसरे के ही अंतर्गत तो आ रहा है, 2s और 2p, तो 2 और 4 को जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, यानी 2 और 6, ये होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो आप पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखिए, फिर बड़े तक हम जाएंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको कैल्शियम का बता दिया, एल्यूमिनियम का बता दिया, सोडियम का बता दिया। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे आते हैं, जो कि आपका है Fe, यानी लोहे का, और जो कि आपका ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है, ठीक है, Fe का पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्रोमियम का भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका अपवाद होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्रोमियम और कॉपर का, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं Fe का, और Fe यानी लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है, 26 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, 26 इसका होता है। कभी कभी ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो क्वेश्चन आपका आता है, वहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोहे परमाणु क्रमांक 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपको कभी कभी दे दिया जाता है परमाणु क्रमांक, और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि आपको परमाणु क्रमांक नहीं दिया जाता, जैसे 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में, इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में CU का आपसे पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया था, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको 29 पता है, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाते, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कम से कम
35 से लेके 40 तक के तत्वों के आप याद कर लीजिए एटॉमिक नंबर, 1 से स्टार्ट कीजिए और कम से कम 40 तक के तत्वों तक याद कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम Fe का करते हैं। तो Fe का आपका क्या होता है, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेंदी है मतलब लंबा है, तो मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 26 ये आपका दिया गया है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे मैं किनारे लिखता हूँ, तो 1s से स्टार्ट करूँगा, 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, 2p6, ठीक है, फिर 3s2, 3p6 आपका आ जाएगा, ठीक है। 3p6 के बाद आपका आता है 4, तो 4s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो काउंट करिए, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 20 तक हम पहुंच गए हैं। 4s2 के बाद आपका आता है 3d, क्या आता है, 3d आता है। तो d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 होते हैं, कितने होते हैं, d में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत कितने की, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 20 हो चुके हैं और 26 यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो केवल हमें 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 3d6 यहाँ पे लिख दूंगा और एटॉमिक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा हो चुका है 26 तक, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, Fe का 26 होता है, तो यहाँ पे हमने 26 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, यानी 3d6 यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। लेकिन हमें इसको क्रम से लिखना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्रम तो आपका ये होता है कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s के बाद आपका 3d आता है, ये आपका क्रम होता है, लेकिन टेक्निकली हमें यहाँ पे इसको सही करना होगा, 3p के बाद हम लिखेंगे 3d को, फिर सबसे लास्ट में हम 4s2 को ला के लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप जर्नल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं, 3d को हम पहले, 4s2 जो आपका है इसको इधर लिख देंगे और 3d को पहले यहां पे ले जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पे किया हुआ है, पहले ऐसे किया, 3d6 तक लिखा, फिर इसके बाद फिर से इसको सही किया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और जो 3d था इसको मैं यहां पे ले आया, 3d6 और 4s2 को इधर ले गया, ठीक है। इसलिए किया क्योंकि अभी हमें इसको जर्नल फॉर्म में भी तो लिखना है। तो अब देखिए हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, पहले में केवल 2 है आपका, ठीक है। अब दूसरे में आइए, दूसरे में ये s2 और फिर 2p6 भी तो आपका है, 6, 2, 8 हो जाएगा, 2, 8, फिर तीसरे में आइए, 3s2, 3p6 और d भी तो आपका आ गया 3d6। हम तीनों को जोड़ेंगे, जहां जहां पे 3 आपका आ रहा है सबको जोड़ेंगे, 2, 2 और 6, 8, और 8, 6 आपका कितना होता है, 14 होता, ये लिखा 14 यहाँ पे, और सबसे लास्ट में 4s2, s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आपका हो गया, यानी 2, 8, 14, 2, ये आपका होता है Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए होंगे, मैंने आपको एकदम यहाँ पे 0 लेवल से बताया, ठीक है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया, बस आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p6s, 4f, 5d, 6p7s, ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हुए चलेंगे इसी क्रम में, 1s से स्टार्ट करते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। s में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, s में 2 होते हैं, p में आपके 6 होते हैं, d में आपके 10 होते हैं और f में आपके 14 होते हैं। तो आपको d तक ही ज़रूरत पड़ेगी, f तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैक्सिमम 29 से लेकर 30 तक इतने परमाणु क्रमांक तक आपका पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी तक आपके एंट्रेंस एग्जाम में जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे गए हैं वो आपके 30 के अंदर हैं, यानी परमाणु क्रमांक 30 के अंदर में ही आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ 40 तक आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको रूल बता दिया, सारे कक्षकों के बारे में बता दिया, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, ये सब आपको बता दिया, तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी 2 एलिमेंट्स आपके क्रोमियम 24 और आपका Cu-29 ये बचा हुआ है, जो कि आपके हैं एक्सेप्शंस यानी अपवाद, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बता दिया, तो आज आप ये करिएगा कि कम से कम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 35 तक के सभी तत्वों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तत्व इसलिए याद कर लीजिएगा, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तुरंत आपको पता होना चाहिए 11 होता है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, ये आपको पता होना चाहिए तुरंत, ठीक है। ये आपको सोचना नहीं पड़े कि क्या होता है, इसका क्या होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के
23 तक सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, रूल मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपको बता दी, जर्नल फॉर्म में भी चेंज करना मैंने आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पे सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, ये तो आप बाउ रूल से हो गया, इसको चेंज कैसे करेंगे एक संख्या के रूप में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ये ध्यान देना नंबर पे 1, 2, 3 इस पे ध्यान देना होता है। तो जैसे मैं पहले में आ जाऊं तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है, तो ये 2 लिख दूंगा, तो 1 आपका यहाँ पे खत्म हो चुका, अब 1 से हमारा कोई मतलब नहीं। अब हम आएंगे दूसरे में, तो दूसरे में आपके ये 2 और ये 6 भी, तो यहाँ पे भी तो 2 आ रहा है, तो 2 और 6 ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 और 6 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहले 2 आया, फिर यहाँ पे 8 आया, सबसे लास्ट में 3 अकेला आपका यहाँ पे 1। तो ऐसे किया जाता है जनरल फॉर्म में चेंज, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।